गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना चलने वाला है 6th चैप्टर द 100 डेज का सेकंड पार्ट। व्हाइल द क्लास वाज सर्कुलिंग द रूम, जब क्लास पूरी रूम के अंदर घूम रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। उस समय क्या हुआ, मॉनिटर जो था उसने क्या किया, प्रिंसिपल के ऑफिस से ला करके एक नोट मिस मैसन को दिया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसे काफी बार पढ़ा। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और कुछ सोचते विचारते इसको स्टडी किया कुछ समय के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने क्या किए, अपने हाथों से तालियां बजाई और क्या कहा, अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू डियर सीट्स, सबसे कहा कि क्लास ध्यान दीजिए और सब अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट एंड हेड स्टॉप्ड, जब पैरों की चहलकदमी बंद हो गई, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और रूम एकदम शांत हो गया था, मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने क्या कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वोंडाज फादर, मेरे पास एक लेटर है जो वोंडा के फादर के पास से यहाँ पे आया है, एंड दैट आई वॉन्ट टू रीड यू, जिसे मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन जो थी वहां पे एक क्षण के लिए खड़ी हुई। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और जो शांति थी, खामोशी थी, वो रूम में और बढ़ गई जैसा कि अपेक्षित थी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, टीचर ने अपने जो ग्लासेस थे, चश्मा था, उसको धीरे से और जानबूझकर क्या किया, एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग, उनका जो तरीका था उसने यह संकेत दे दिया था कि क्या आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वोंडाज फादर, जो ये वोंडा के फादर का लेटर आया है उसमें क्या आने वाला है, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो मिस मैसन के बिहेवियर समझ में आ गया कि यह जो लेटर है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मैसन ने उस छोटे से नोट को पढ़ना स्टार्ट किया, सभी ने क्या किया, बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब क्या था उस नोट में, डियर टीचर माई वोंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो, उस लेटर में लिखा हुआ था कि जो वोंडा के पिताजी है वो क्या 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 बोल रहे हैं लेटर के थ्रू, कि जो हमारी वोंडा है वह अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी, और साथ ही साथ जैक भी नहीं आएगा। Now we move away to big city. अब हम लोग क्या है, बड़े शहर की ओर जा रहे हैं। No more holler Pollack. अब कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं होगा Pollack नेम से। No more ask why funny name. और कोई ना ही ये पूछेगा कि funny name क्यों है। Plenty of funny names in the big city. और हाँ, जो वो बड़ा शहर जहाँ हम जा रहे हैं वहां पे इस तरीके के funny name बहुत सारे हैं। Yours truly, Jen Petronsky. तो ये लेटर था पूरा का पूरा। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के पढ़ने से एक बहुत ही गहरी शांति सी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने चश्मा जो है उतारा, ब्लू ऑन देम, उन पे फूक मारी, एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ, और अपने कोमल से सफेद कलर के जो रुमाल था उससे उसे साफ किया फूक मारने के बाद। Then she put them on again. फिर उन्होंने उस चश्मे को वापस पहना, and looked at the class, और क्लास की ओर देखा। When she spoke, her voice was very low. अब जब वो बोली तो उनकी आवाज बहुत धीरे थी, धीमी थी। I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. क्या बोलती हैं मिस मैसन, कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि किसी भी लड़के या लड़की ने जो रूम नंबर 13 में बैठते हैं उन्होंने किसी पर्पज को लेकर के या जानबूझ करके किसी भी व्यक्ति की किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अलोंग, क्योंकि उसका नाम क्या था, बड़ा था और अजीब भी था, अनफेमिलियर वन, साथ ही साथ अपरिचित भी था। I prefer to think that was said in thoughtlessness. और मैं ये प्रेफर करूंगी, ये सोचना प्रेफर करूंगी कि जो कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था।
आई नो, मैं जानती हूँ दैट की ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, तुम सब भी वही या उस मैनर में, उस तरीके में ही फील कर रहे हो जिस तरीके से मैं फील कर रही हूँ. दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चीज है जो घटी हुई है. अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, ये अनफॉर्चुनेट भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और काफी दुखद भी है. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इस बारे में सोचें. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला जो कालांश था, पहला जो पीरियड था वो पढ़ने का पीरियड था. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपना जो चैप्टर था उसे पढ़ने का, प्रिपेयर करने का कोशिश किया. बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह अपना ध्यान नहीं लगा पाई थी अपने कार्य पे. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट के निचले हिस्से में क्या था, एक बहुत ही बीमारी टाइप की या एक बुरी सी क्या थी, फीलिंग थी. ट्रू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वोंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, और सत्य तो यह है कि मैडी को भी ये चीज पसंद नहीं थी या मैडी ने कभी इस चीज को एंजॉय नहीं किया. किस चीज को, जब पैगी वोंडा से ये पूछा करती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे अलमारी के अंदर. एंड बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन मैडी ने कभी कुछ कहा भी तो नहीं. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह हमेशा वहां खामोश खड़ी रही. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये खामोश खड़ा रहना ही मैडी का उतना ही गलत था जितना पैगी के द्वारा गलत किया गया था, वर्स उससे भी गलत था. शी वॉज अ कॉवर्ड, वह क्या थी, एक कायर थी. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बींग मीन, बट शी, कम से कम पैगी ने इस चीज के बारे में विचार तो नहीं किया कि वो लोग जो है बहुत कायरता वाला या बहुत ही बुरा सा काम कर रहे हैं, नीरस काम कर रहे हैं. लेकिन बट शी, लेकिन उसने किया, सॉरी बट शी मैडी हैड थॉट, लेकिन मैडी क्या सोचती थी, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो लोग गलत कर रहे हैं. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडा शूज, वह अपने आप को वोंडा की जगह पे रख करके जो है देख सकती थी या देख पा रही थी, क्योंकि उसके साथ खुद के साथ भी कपड़ों का वही सेम था, वह खुद भी दूसरे के कपड़े पहना करती थी. तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.